हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जी बिज़ टेक। एप्पल की जब भी बात होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एप्पल के WWDC इवेंट का जिक्र ना हो। वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस एप्पल का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होता है, जिसमें एप्पल कई बड़े बड़े नए अनाउंसमेंट्स करती है, जिसका होता है एप्पल लवर्स को बेसब्री से इंतज़ार। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के WWDC इवेंट में क्या हुआ नया। ट्विटर तो ना ला सका, पर एप्पल ने कर दिखाया। अब आई मैसेज पर आएंगे एडिट बटन और अंडू सेंड बटन, मतलब भेजे हुए मैसेजेस को आप हटा पाएंगे और भेजे हुए मैसेजेस को कर पाएंगे एडिट। iOS 16 में होंगे न्यू इम्प्रूव्ड लॉक स्क्रीन फीचर्स, इम्प्रूव्ड डिक्टेशन, सेफ्टी चेक फीचर और नए प्राइवेसी अपडेट्स। एप्पल ने एक्सटेंड किया अपना कॉन्टिन्यूटी फीचर फॉर फेस टाइम। कॉन्टिन्यूटी कैमरा से आप अपने आईफोन कैमरा को अपने मैक पर एज वेब कैम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हैंड ऑफ फीचर से आईफोन पर फेस टाइम स्टार्ट करके यूजर्स आईपैड और मैक पर सीमलेसली शिफ्ट कर पाएंगे। एप्पल आया अपना नया रीडिजाइंड मैकबुक एयर और नया अपडेटेड 13 इंच का मैकबुक प्रो, जिसमें होगा एप्पल का लेटेस्ट M2 चिप। WatchOS 9 में होंगे नए एक्टिविटी फीचर्स, जिससे मेडिकेशंस को ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही स्ट्राइड लेंथ, ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम को मेजर करने का भी फीचर मिलेगा। आईफोन के लिए आएगी फिटनेस ऐप, जिसे बिना एप्पल वॉच के भी यूज़ किया जा सकेगा। एप्पल आईपैड OS 16 में आएगी वेदर ऐप, साथ ही आएगा नया कोलैबोरेट फीचर, जिससे यूजर्स डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा को सिलेक्टेड ग्रुप के साथ कर पाएंगे शेयर। इसके साथ स्टेज मैनेजर फीचर से यूजर्स को मिलेगी बेटर मल्टीटास्किंग एबिलिटी। और शेयर प्ले सेशन वाया मैसेजेस फीचर यूज करके एप्पल यूजर्स चैट करते हुए मूवी या कोई भी शेयर्ड एक्टिविटी को साथ में कर पाएंगे। एप्पल ने रिलीज किया macOS Ventura, जिसमें यूजर्स को मिलेगी बेटर मल्टीटास्किंग एबिलिटी। साथ ही एप्पल लाया सफारी का शेयर्ड टैब्स ग्रुप। इसके अलावा एप्पल ने अनाउंस किया कि एप्पल अब पासवर्ड्स को पास की से कर देगा रिप्लेस। macOS की मेल ऐप से अब यूजर्स कर पाएंगे कोई भी भेजा हुआ मेल अंडू। इसके साथ ही यूजर्स अब मेल को शेड्यूल भी कर पाएंगे।